मेरे को तो पहले ये पता ही नहीं था कि प्यार व्यार ये चक्कर वक्कर क्या होते हैं. मतलब मैं बचपन से ही थोड़ा सा लड़कों के बीच में रही हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स गेम्स करती थी, राइफल शूटिंग, आर्चरी, तीरंदाजी, पंजाब के लिए नेशनल्स में खेली हूँ, गोल्ड मेडल लाई हूँ. तो प्यार व्यार कैसे होता है ये सोचा भी नहीं था कि शादी क्या होगी. फिर कॉमेडी सर्कस आया, फिर आए हर्ष लिम्बाचिया. बर्बाद. मतलब वो मैं थोड़ी पहली मुलाकात, वो मेरी पहली स्क्रिप्ट नरेशन थी. वो थे चश्मा लगा, छोटा सा लैपटॉप, मतलब सुनामी पीड़ित का एक बच्चा बच गया होता ना, जो कि ये कुछ करेगा अभी, बाकी तो नहीं रहे. So I was narrating my script और suddenly भारती आ गई कि अरे भरत सर ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, and I was like what the hell. मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और पहली स्क्रिप्ट, इतना नर्वस आदमी, जैसे तैसे तो वो एक दो चुटकुलों पे हंसे थे और तब तक भारती ने आके पूरा फ्लो तोड़ दिया. बच्चा था, सारे सुनते स्क्रिप्ट, मैं भी सुनती थी, मैं क्या ये क्या लिखेगा, बहुत डबल मीनिंग लिखता था, सब लोग बहुत हंसते थे. तो मैं तब पंजाब से आई नहीं, मैं क्या है कौन है यार, इतनी गंदी गंदी बातें लिख देता है. पता चला कि जो मैं स्क्रिप्ट रीड कर रहा था वो भारती के लिए ही थी, बिकॉज तब ऐसा होता था कि स्क्रिप्ट आप लिख दो फिर आर्टिस्ट डिसाइड होते थे. हर्ष जिसकी स्क्रिप्ट लिखता था वो बंदा आउट हो जाता था. सुनील पाल आउट, VIP आउट, मक्की आउट, मतलब अच्छे अच्छे आर्टिस्टों की लिखी आउट हो गए, आउट हो गए. तो आई वॉज लिटिल की अरे यार क्या हो रहा है यार, तो शायद मैं अच्छा नहीं लिख रहा, शायद क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये. और मैं उदास एक दिन बैठा था तो भारती आई मेरे पास. क्योंकि मैं अंदर से गरीब थी ना, जहाँ से आई थी, तो मुझे ये भी लगा बेचारा. मैंने बोला कि मैं क्या आप मेरी लिखोगे, कहते नहीं मैम आप आउट हो जाओगे. रैंडम भारतीय आप खामखा आप निकल जाओगे, क्योंकि मेरा नहीं निकलेंगे आप लिखो. बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को कि नहीं मैं तो अच्छा करती हूँ आप, मैं क्या लिखो कोई बात नहीं. इसने लिखी, मैंने की, मैं आउट हो गई. बाहर आई और ये ऐसे खड़ा, मैंने ऐसे देखा, मैं क्या कहते सॉरी मैम, मैं क्या मैं पूरी अंदर से कि तेरी ऐसा था मेरा. मैंने कहा कोई बात नहीं. सुबह आउट हुई, शाम को वाइल्ड कार्ड में एंट्री करनी थी, फिर से दूसरा एपिसोड किया, स्टैंडिंग ओवेशन 10-10 नंबर. और फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी स्क्रिप्ट सुपर हिट हुई और बहुत अच्छा लगा लोगों को. 10-10 मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिली, ये वो लोगों ने बुला रहे राइटर को, बुलाओ स्टेज पे, ये वो. बाहर आई तो ऐसे खड़ा मैम. हम साथ में स्क्रिप्टें बनाने लगे, साथ में टाइम स्पेंड करने लगे, तो कहीं ना कहीं उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी. मतलब मैं वेट करना आया क्यों नहीं अभी तक, इसने भी वेट करना है. मतलब मैंने कभी किसी बात में अगर मुझे कुछ होना, मैं रोना, तो उसको बहुत ऐसा हो जाना था. तब BBM होते थे, ब्लैकबेरी. तो मैं कहीं शो पे गई थी, तो मैं कहा मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि होटल भी बहुत सुनसान जगह पे है. कहते कोई बात नहीं आप बात करो फोन पे. रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक लगातार फोन पे बात. अजीब सी बातें. उसके बाद हमने वो कभी बात नहीं की थी. तोता बैठा है पेड़ पे, पत्ते उग गए, फूल का रंग, ये ऐसी फालतू बातें हो रही थी. और वो बातें भी तब इतनी अच्छी लग रही थी ना, शायद वो प्यार का पहला स्टेप होता है ना. दूर हुई तन्हाइयां, मोहब्बत के दिन आए हैं, हर्ष और भारती अन्नू मलिक के दिल पे छाए हैं. एक तो समझ में नहीं आया कॉम्बिनेशन, ये अमृतसरी जट पंजाबी, अमृतसरी और वो बेचारा गाठिया फाफड़ा बम्बई का. भारती कहाँ लॉरेल हार्डी टाइप, यू नो, मैं बोला कहाँ गिर भी गई तो एकदम टैम बोल जाएगा, मतलब उसकी फसली उसली सब मुंह से फेंक देगा बाहर. बाहुबली के बाद मैंने हर्ष को ही देखा है कि इतना बहादुर. पहली बार यार मैं ना हर्ष से थोड़ा गुस्सा हूँ क्योंकि तूने भारती को पटा लिया. साले तेरी वजह से भारती एक तो शो नहीं करी थी, क्या हालत हो गई मेरी. साले मेकअप रूम भी नहीं दिया मेरे को इन लोगों ने. देख टेंट में पानी वालों के साथ रखा है, देख पानी की बोतलें उठा रहा हूँ मैं. एक अलग किस्म का उनकी मतलब प्यार देखा मैंने. अगर गालियां देती है एक वो गाली देगा तो वो उससे बड़ी देगा. हर्ष को अगर आप गौर से देखें तो हर्ष ऐसा है. हर्ष का वॉकिंग स्टाइल है. जब मैं पहली बार हर्ष से मिला गांधीधाम के किसी किराने स्टोर से निकला हुआ जो आदमी होता है ना, चिक्की बेचने वाला, ठीक वही. उसके बाद उससे बात करना शुरू किया और जब हर्ष से बात करना शुरू, भाई उसके पास हर चीज का जवाब है. उसकी जेब में पिटारा है कि वो निकाल के आपको कभी भी कोई कहानी बता सकता है, कभी भी कोई किस्सा या जुमला सुना सकता है और आप हंस हंस के लोटपोट हो सकते हो. ये उसका टैलेंट अलग लेवल का. तुम हर्ष बहुत से 2-4 लीटर दूध रोज पियो, करीबन 4-5 दर्जन केले खाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी भाई से शादी होने वाली है. वन ऑफ द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छा लड़का है और अभी काफी सुधर भी गया होगा भारती के डर से. इनके बच्चों को मुझे देखना है, इनके बच्चे कैसे हैं, बहुत ही कमाल के बच्चे होंगे. जो हर्ष को मैं आज से 1.5 साल पहले मिला था और जिस हर्ष से आज भारती शादी कर रही, जमीन आसमान का फर्क भाई. वही गांधीधाम का वो चिक्की बेचने वाला आज मेरे को डायमंड मर्चेंट लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया. सच ए लवली इनवाइट.
देखो हर्ष मुझे अच्छी तरह जानता है, उसने मेरे लिए हारमोनियम भी भेजा है ताकि मैं सैड सॉन्ग सुना सकूं। जब जब दिल ही टूट गया जब दिल। सडनली एक बार बीबीए में बजा, मैंने देखा तो आई लव यू लिखा आया। इसने स्क्रिप्ट का वन लाइनर बजा क्या है? बोला इसने कुछ, इसने मतलब क्या कर दिया ये। मुझे ऐसे लगा मैं पढ़ रही हूँ, पीछे पूरा पंजाब पढ़ रहा है मेरे पीछे, क्योंकि कभी वो चीज़ की नहीं, किसी लड़के ने बोला नहीं, मैं पढ़ी, मैं क्या हाई, मैं देखूँ, मुझे लगे पीछे सारे ऐसे खड़े नहीं। अच्छा फर्स्ट थॉट यही था कि शादी तो हमने करनी थी, बिकॉज डे वन जब मेरी भारती का हमारे देश में शुरू हुआ तब मेरा तो एक ही था कि शादी करनी है। पार्टी थी कोई, थोड़ा खुले हुए थे दो तीन पहले। सॉरी मैंने उस दिन ये वो, बुरा लगा आपको? मतलब मेरे को अच्छा लगने लग गया था कि अरे बोला, बोल तो सही कुछ आगे। तो उसने बोला कि सॉरी लेकिन ना मुझे शादी करनी है आपसे। मैं बिकॉज मैं वो नहीं हूँ या बाकी वैसी नहीं है कि लक्ष्मी हम, मैं आपसे प्यार करता हूँ, फ्रेंडशिप करेंगे आप, मतलब टाइम पास वाली कोई बात नहीं, सीधा शादी का बम फोड़ा। और मैं एकदम वैसे चाहे मैं बहुत मस्ती करूँ, कितने चाहे शाहरुख खान हो चाहे बच्चन साहब, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन जब पहली बार किसी ने बोला तो मेरे तो मतलब तोते क्या, मेरे बाज चिड़ियाँ चींटियाँ सब उड़ गई। फिर वो एक लड़के का जो साथ मिला ना, नहीं नहीं ये नेक नहीं पहना, ये नेक बहुत लो है, बैक नहीं, तू परफॉर्मेंस करते वक्त पागल हो जाती है, ये नहीं बोलनी, ये लाइन नहीं बोलनी, तू लड़की है ना अच्छा लगता, तो एक बहुत मतलब ऐसा कोजी सा फील आने लग गया था कि हाँ कि कोई ऐसे रक्षा कर रहा है आपकी, कि हाँ शादी तक पहुँचेगी, हाँ शादी करेंगे। शादी का हमने जब सोचा तो हमने घर पे बोला, थोड़ा बहुत तो सबके घर में होता है, हमारे घर में भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है। हमको पता था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों की थोड़ा ऐसा था कि लड़की थोड़ा अच्छा कमाती है ये है, पर हर्ष एक राइटर है, हर्ष को भी ये बात पता थी और उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का लगता था कि भारती थोड़ा टाइम दे यार, शादी तो तेरे से करनी है लेकिन तेरे बराबर का हो के। बहुत दिन रात राइटिंग की, एक ऐसा लड़का जिसकी स्क्रिप्ट 20 लोगों के बाद सुनी जाती थी कि अगर कुछ कम पड़े तो चल तू भी सुना दे यार, वो लड़का लीड राइटर बन गया। कभी कभी हमारे निकुल सर नहीं आते तो हर्ष डायरेक्ट करता था, तो उसने इतनी मेहनत की उस चीज़ में, हर चीज़ में बैठ के जैमिंग करता था। तो हर्ष शायद 3 साल छोटा है मेरे से लेकिन दिमाग से 15 साल बड़ा है, और आज वो दिन आ गया कि शादी की तैयारियां हो रही हैं, पागलपन हो रहा है। क्या हुआ हर्ष? कुछ नहीं हो रहा यार, नहीं बता तो सही। ये अपनी पजामी दे रही है और बोल रही है कि मेरे कपड़े शेरवानी के नीचे ये लेगिंग्स दे रही है, ये कोई बात हुई? तो मेरी शादी हो, दूल्हा हो ना, मैं ऐसे करते दूल्हे के साथ, क्या उसकी पजामी लेडीज पजामी? अच्छा ये नहीं, इसकी मम्मी भी बोल रही है, पिंकी बोल रही, पिंकी दीदी कहती है अरे मैं अपनी पजामे कुर्बानियां देने लगे यार पजामियों की, ये कोई बात हुई? आप लोग ये क्या हो रहा है? मैंने की क्या है? आप अपनी पजामी नहीं दे रहे थे? पजामी दे रहे थे जब तेरे काम में चला रहे थे। अरे पर क्यों दे रहे हो? अरे दूल्हा बात करते हो, दूल्हा पजामी क्या हुआ? एक ही बार मैंने पहनी है। अरे तू पागल है कि कौन पहनता है यार बीवी की पजामियां? ले सारे पहनते हैं जो खुद पजामी नहीं पहन कर आई। देखो ड्राइवर जैसा बतिया, ट्रक जैसी बीवी है, इनकी तो पूरी वेडिंग एल्बम फनी होनी है। हर्ष अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी मैरिड लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हो, तो आई थिंक तुम्हें भारती की हर एक चीज़ मान लेनी चाहिए चुपचाप विदाउट आर्ग्यू, जस्ट लाइक ही डज। तुम देख ही रहे हो मैं कितना खुश हूँ, चेहरे पर रौनक मेरी। खोपचे में जाके इन्होंने अपनी प्रेम कहानी को डेवलप किया ना दोनों ने, पता ही नहीं चलने दिया। अरे ये दोनों बड़े ही खुफिया किस्म के लोग निकले, ये दोनों कौन सा एक्ट तैयार कर रहे थे ये तो डायरेक्टरों को भी नहीं पता चला। अगर तुम अपने पति को कुछ देखना चाहती हो तो जितना टाइम घर पे कम रहोगी उतना बेटर। जैसे कि अच्छी बात यह है कि भारती को ऐसे किसी जने की जरूरत थी who will understand her. And I think हर्ष ज़्यादा उसको कोई understand करता नहीं। मुझे याद है कि हर्ष भारती को बोलता था कि एक काम करते कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, गुजराती आदमी पैसे बचा, जिंदगी में एक बार शादी करनी उस पर भी पैसे बचाने की कोशिश। पोल्स अपार्ट तो पता नहीं, एक तो पोल है हर्ष के बारे में मुझे एक चीज पता है कि वो मूछों को ताव जरूर ऊपर की तरफ देखता है पर अंदर से एकदम
दिल का एक बड़ा भोला और बालक सा है। मैं बोलता था हर्ष रोमांस हो जाता है बस, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस किया करते तो मुझे क्या मालूम था बंदा इतना रोमांटिक निकलेगा कि हमारी लड़की ले गया हमारी लड़की। तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो, तुम सी ही तुम रहो तुम खूबसूरत हो। प्री वेडिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये आदमी, ड्रोन उड़ रहे हैं, पूरा हीरो हीरोइन बना दिया था हमें। जो गाना है तुम खूबसूरत हो, इतना कमाल गाना है और इतने अच्छे से शूट किया है अलग अलग जगहों पे, एक जगह मैं गिटार बजा रहा हूँ, भारती सुन रही है। मुझे पता कितना बोर हुई थी उस सीन पे, एक ही डंग डंग डंग। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स थे सच में, बहुत मजा आया, हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमारे स्टाफ ने बहुत एंजॉय किया। 3-4 बोतल वाइन पी ली हुई कल? मुझे मत देख, मैंने नहीं इतनी। तूने पी है? हमारा एक सुबह शॉट था 11-12 बजे, तब से इसके मुंह पे लगी, तब रात को खींच के निकाली, आया 2 बोतलें मुँह से निकली इनकी। तब ने वाइन पी, मतलब रात को जब हम पैकअप करते थे तो वाइन सेशन होता था, पीते थे, मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करते ही रहते, हम तो करते रहे। क्या कर रही है? अरे मैं जितनी डाइट पे थी वहाँ पे मुझे 6-7 गुलाब जामुन खाने पड़े। एक शॉट था कि हर्ष मुझे ऐसे प्रपोज करता है और रिंग का डब्बा खोलता है और उसमें से गुलाब जामुन निकलता है, और मैं गुस्सा होती, मैं जाती हूँ, मैं कहती चल नहीं लाया तो गुलाब जामुन तो खा लूँ, चाहे गुलाब जामुन करते रिंग निकलती। अगर सोचो मतलब असल लाइफ में लड़की खा जाए तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो। लड़ाई झगड़ा हमारा बड़ा हुआ था। बेचारे हैप्पी जी कहते थे थोड़ा वो आना चाहिए, थोड़ी शरारत, थोड़ा भी रोमांटिक, थोड़ा वो दिखना, ये वो हमसे हो नहीं रहा था। बेचारे कर रहे थे लेकिन वो पता नहीं आई कि नहीं, अभी आज तक कभी 5 बजे नहीं उठा, उठा भी है तो ये करके सो जाता है, लेकिन ये करने के बाद इसको सोने नहीं दिया। और 7:45 बजे पहला शॉट था, हर्ष की लाइफ का पहला शॉट हर्ष ने दिया है इतनी सुबह। बहुत ज्यादा मजा आया, अंगूरों के पैर, अंगूरों के देखिए कैसे हमने माँ बहने। थैंक यू सो मच सुला विनियार, जो आप लोगों ने इतनी हेल्प की, हमको इतने अच्छे अच्छे रूम्स दिए, खाना किया, हमको वेन्यू दिया, हर जगह पे शूट करने को दिया, और ऑन बोर्ड की इतनी अच्छी टीम है, मतलब एक नंबर के बहुत अच्छे लोग हैं, एक नंबर के। मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं अगली शादी करूँगी मैं फिर से यहीं पर प्री वेडिंग शूट करूँगी। तो भाई तू क्या करेगा? मैं भी देखता ऐसा ही कुछ करूँगा। वो प्रपोज वाला कि घुटनों पे गए, गुलाब दिया कि फूल दिया, या पेरिस एफिल टावर, पेरिस भी हम लोग गए थे, वहाँ भी कुछ ऐसा हमने किया नहीं था। लोग डेट पे जाते तो प्यार की बातें होती, बेबी ये वो हाथ पकड़ के, हम बैठते पहले जितनी दूर दूर है, आज देसी मुर्गा खाते हैं, फिर खाने की बातें, मतलब प्यार की एक बात नहीं होती, ऐसे लगता कि मैं उसके चाचा की बेटी हूँ, मेरे ताऊ का बेटा है। हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और सिंपल रिलेशनशिप है, बाबू बेबी वाले है नहीं, हम पति पत्नी अब बन रहे हैं लेकिन उससे पहले बहुत दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं मारा मारी वाले, गाली वाले, चलना चुप ए खाएगा तू चुप रह, ऐसे वाले हैं। सील मछली आपने देखी होगी, सील मछली जिसके पैर इतने इतने होते हैं और धड़ इतना बड़ा होता है, तो वो ऐसे ऐसे रेंगते हुए चलते हैं। और पेंगुइन जिनके पैर बहुत छोटे और बेचारे ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, तो पेंगुइन और सील मछली को देखकर भारती लिटरली रो पड़ी, इनके पैर देखो कैसे हैं, ये कैसे चलते होंगे। बोला कि ये थोड़ी बात हुई, मतलब इसमें कोई कैसे इमोशन हो सकता है। अब जब शादी हो रही है तो वाकई बड़ा डर लग रहा है कि यार ये तो बड़ा इसका दिमाग खराब है, मुझे बहुत टॉर्चर करके मेरे बाल खींचता है, मेरे गाल, मेरा पेट, मैं उसको बहुत तंग करता और मुझे बहुत मजा आता है। मतलब वो थकी हुई होती है, रात को 3 बजे फ्लाइट पकड़े, सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा जेट लैग है, उसमें मुझे उसको तंग करना है, और तब मेरा मतलब राइट टाइम है, वो मेरा पीक टाइम है कि उसमें ही मुझे करना है, वो जब वो मस्ती में होती है तो मैं नहीं करता। मैंने उसको हर्ष को काफ़ी बार पूछा, मैं कहता तू तो मुंबई का है, कॉलेज में पढ़ता है, और तेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड, तेरे को भी एक देहाती मोटी लड़की क्यों पसंद आई? तो बोलता कि तू समझ ही नहीं सकती,
तू ना गर्लफ्रेंड मटेरियल है ही नहीं, मुझे ऐसे बोलता, कहता तू बीवी मटेरियल है, तो तब खुशी होती। मैं बोलती मैं तेरी गर्लफ्रेंड, मतलब तू बाहर बनाएगा? अरे नहीं यार, तू तो मेरा भालू है पांडा, इतनी चीज़ें बोलता है ना मुझे वो। ये मिनिएचर है भारती का, मतलब वो उसका ऐसा है कि भाई मैं जहाँ हूँ ऐसा, मैंने ऑफिस में भी एक है तो उसका है कि भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ वो हो रहे। ये सब क्या कर रही है भारती और क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। आजकल तो भारती पागल ही हो गई जिम के लिए। मैंने भारती को कभी भी नहीं बोला यू शुड लूज वेट।